नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना लौट चुके हैं। दिल्ली में सदन का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में चिराग पासवान दिल्ली और पटना कर रहे हैं। दरअसल बिहार के नए डीजीपी आर एस भट्टी बने हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीद है कि अब डीजीपी साहब बिहार में कानून व्यवस्था को सुधार देंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में जो भी आला अधिकारी यहाँ आते हैं, नीतीश कुमार उन्हें काम नहीं करने देते हैं। लेकिन भट्टी साहब इसके पहले भी कई बार बिहार में रह चुके हैं, बिहार के लिए काम कर चुके हैं, तो इस बार उनसे उम्मीदें रहेंगी। खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात का दावा किया है कि आने वाले दिनों में क्राइम को लेकर और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार की सरकार की जितनी फजीहत हो रही है, खुद नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। अब इसको लेकर जब नए डीजीपी बिहार में आए हैं तो चिराग ने स्वागत किया है और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी और डीजीपी को लेकर भी। काम हो पाएगा और घटनाएं घटेगी भाई, मैं उम्मीद तो रखूंगा और मैं हर उस व्यक्ति से उम्मीद रखूंगा जिनके हाथ में बिहार के कानून की कमान है। डीजीपी महोदय नए हैं, उनसे भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई जिस तरीके से बिहार में हत्याओं की श्रृंखला शुरू हुई है, भले वो अपराधियों की गोली से हो या जहरीली शराब पीने से, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो कम से कम इसको नियंत्रित करने में वो सफल होंगे। पर हाँ, उनके ऊपर जो गृह मंत्री हैं, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरी उम्मीदें पूरी तरीके से समाप्त हैं। जब तक वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, मौजूदा डीजीपी भी कुछ कर पाए उस पर ज़रूर चिंता खड़ी होती है। राष्ट्रीय जो शराब बेच रहा है या जो शराब बना रहा है उनसे लेकर देंगे, पर मुआवजा दिया जाएगा। अब आप उनसे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं वो आपकी चिंता है, पर ये आपका एक प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत 2016 में भी आप मुआवजा दे चुके हैं, तो आज भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये उनका हक है, अधिकार है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया मेरी कोई हमदर्दी नहीं, आपकी हमदर्दी जिसने पी संभवतः उससे नहीं होगी, पर उसके परिवार वालों का क्या दोष? 20 दिन की बच्ची थी उस दिन मेरी गोद में, उस 20 दिन की बच्ची का क्या दोष? 80 साल 85 साल की बुजुर्ग वृद्ध महिला वहाँ पर जिसने अपना बेटा खोया, उस महिला का क्या कसूर? तो भाई क्यों आप मुआवजा नहीं देंगे? भाई बिहार के लोग हैं मुख्यमंत्री जी, ये बिहारी ही हैं सबके सब, अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत, अपने ही प्रदेश के लोगों से कि आप उनके मरने की कामना करते हैं और जब वो मर जाते हैं तो उनके परिवार के आप आंसू तक पोंछना जरूरी नहीं समझते, अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरी समझ के परे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386